ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैथल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त कैथल से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि कलायत में शोरूम संचालक पर फायरिंग का मामला यहां से सामने आया है। सीआईए वन की टीम और आरोपियों के बीच में फायरिंग हुई है। आरोपियों ने सीआईए टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की है। तो ये कैथल से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सीआईए की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। सुरक्षा जैकेट पहनने की वजह से पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने मुश्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो कैथल से बड़ी जानकारी, जहां पर सीआईए वन को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल कलायत में शोरूम संचालक पर फायरिंग के मामले में सीआईए की टीम और आरोपियों के बीच में फायरिंग हुई। आरोपियों ने सीआईए टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि यहाँ पर उनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जिसके दम पर जो है जिसके बल पर पुलिसकर्मी अपनी जान बचा पाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयपाल रसूलपुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल जी, जरा बताएं क्या है ये पूरा मामला और अब इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी प्रीति, बता दें कि कुछ दिन पहले कैथल जिले के जो कलायत कस्बा है, वहां पर जो है एक दुकानदार पर जो दो आरोपियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिस बीच जो लाइसेंसी रिवॉल्वर के कारण जो दुकानदार है उसने भी अपने बचाव में जो आरोपियों पर जो फायरिंग उल्टी जवाबी फायरिंग की थी, तो आरोपी डर के मारे भाग गए थे। इस मामले को लेकर जो शहर में काफी दिनों से जो भय का माहौल था, क्यों कोई भी जो व्यापारी था अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि दिन दहाड़े प्रीति वो जो है फायरिंग की गई थी। इस संबंध में कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने कई टीमों का जो गठन किया हुआ था, और इसी के बीच जब कल शाम की ये घटना जो है प्रीति बताई जा रही है, जो सीआईए वन की टीम जो है आरोपी को सूचना मिली थी, सीआईए टीम को, कि आरोपी जो है कलायत के आसपास के क्षेत्र में जो घूम रहा है, तभी उसकी सूचना मिलते ही कैथल की सीआईए टीम जो है आरोपी को पकड़ने के लिए जाती है। और आरोपी अकेला था, बाइक पे था। आरोपी पहले जहां पर लोकेशन मिली थी वहां से भागने में जो कामयाब हो गया था, उसके बाद रास्ते में ही आरोपी को जो पकड़ने लगी तो आरोपी ने जवाबी जो है सीआईए टीम पर जो है फायरिंग की, जिस बीच बता दें कि जो फायरिंग की थी वो सीआईए टीम की गाड़ी पर भी एक जो बुलेट है वो लगी है, और दूसरी जो है कैथल सीआईए वन में जो कार्यरत है हेड कॉन्स्टेबल जो मुनीस है उनके साथ जो तरसेम है उनपे भी पुलिसकर्मियों पे जो है फायरिंग की गई थी। गनीमत ये रही प्रीति की जो उन्होंने पुलिसकर्मी ने सुरक्षा जैकेट जो पहनी हुई थी इसीलिए वो उनकी जान बाल बाल बच गई, और जब जवाबी फायरिंग में जो सीआईए ने फायरिंग की तो आरोपी के जो टांग में जो गोली लग गई और उसको वहीं दबोच लिया, उसके बाद उसको पीजीआई जो है लेके आया गया, अब उसका इलाज चल रहा है। प्रीति, क्या जो शोरूम संचालक पर फायरिंग का मामला था, क्या उसमें केवल यही एक आरोपी है या इसमें और आरोपी हैं जिनकी और आरोपी शामिल है जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, और इससे पकड़ने के बाद अब उनकी तलाश के लिए उनकी धरपकड़ के लिए और टीमें लगाई गई हैं या इसमें पुलिस ने कवायद तेज कर दी है? बिल्कुल प्रीति, बता दें कि फायरिंग में कुल तीन आरोपी जो मुख्य थे, जिस बीच पहले भी पुलिस ने एक जो बाइक पे जो इन दो आरोपियों को लेके गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, परंतु फायरिंग करने वाला ये पहला आरोपी है और फायरिंग करने वाला दूसरा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब तक की अगर बात की जाए आरोपी तथा आरोपियों को शरण देने वाले कुल पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और अभी फिलहाल एक आरोपी अभी पुलिस की जो गिरफ्त से बाहर चल रहा है जिसने फायरिंग की थी, और ये एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी शुक्रिया जयपाल रसूलपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीआईए टीम ने यहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शोरूम संचालक पर फायरिंग के मामले में यह आरोपी उसमें शामिल था, और इस पर पुलिस की तरफ से यहां पर जो जानकारी मिली उस पर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है।